रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पुष्पा फिल्म के पुष्पाराज की तरह झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन पर हमले को लेकर युद्ध अपराधों के लिए पुतिन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जांच करने की मांग करने वाले एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्वीट करके खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये जांच पूरी करने के लिए अमेरिका को सारी इन्फॉर्मेशन समय से देनी चाहिए। ग्राहम ने यह भी कहा कि अब उनका अगला कदम ब्रिटेन और अपने अन्य सहयोगियों से मिलकर ये पता लगाना होगा कि रूस की सेना के कौन कौन से कमांडर वॉर क्राइम में शामिल रहे हैं। उन्होंने इसे नेम एंड शेम कैंपेन का नाम दिया है। पुतिन इसके अलावा भी अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित कई देशों के बहुत सारे प्रतिबंध झेल रहे हैं, चाहे वो एयर स्पेस बंद करने की बात हो, रूस से आयात करने वाले कच्चे तेल की बात हो या उनकी करेंसी पर रोक की बात, और अब पुतिन प्रशासन के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए जांच की बात। पुतिन हैं कि रुकने और झुकने का नाम नहीं ले रहे। इसके जवाब में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और हिलेरी क्लिंटन समेत कई अमेरिकी अधिकारियों पर ही प्रतिबंध लगाने की बात कर दी है। ये प्रतिबंध क्या होंगे, कब लगेंगे, इस बारे में ज्यादा जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन पुतिन का आक्रामक रुख थम नहीं रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो में शामिल न होने की बात जरूर कही, लेकिन तेवर कम नहीं हुए। वो रूस का सामना करने की बात भी लगातार किए जा रहे हैं और पुतिन भी पीछे हटते नजर नहीं आ रहे और एक दूसरे को रोकने और हराने के दावे दोनों तरफ से चलते ही जा रहे हैं। चाहे युद्ध चले या प्रतिबंधों की बरसात हो, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर तो पड़ेगा ही। इसलिए हम चाहेंगे कि जैसे हम अभी अपने इस वीडियो को विराम दे रहे हैं, युद्ध पर भी जल्द विराम लगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहिए आज तक।